हाँ भाई, पूरे 1 साल बाद हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और सबसे बुरी चीज़ ये हुई कि मैं गोप्रो लेके निकला था, मैंने बोला अच्छा, मैं सुपर व्यू दिखाऊंगा, लेकिन इसकी बैटरी बहुत जल्दी डेड हो गई। तो हाँ भाई, काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा कि एक आध ब्लॉग बना लें, तो आज हम निकल रहे हैं राइड के लिए। ऐसी नॉर्मल ब्लॉग है, बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं डाला है चैनल पर, तो एक ब्लॉग डाल देते हैं ताकि चैनल भी डेड ना हो जाए। तो वैसे ये गेटअप इसलिए क्योंकि बारिश होती रहती है, तो यहाँ पे अपने पैंट भी है, रेनकोट की, हैंड ग्लव्स, और निकलते हैं फिर। तो अभी हम जिस टेरिटरी में है उसका नाम है वाचा, बट यहाँ के लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं वाचा। तो अभी हम वाचा में हैं। वाचा वैसे किस कंट्री में पड़ता है? ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वाचा का मुझे मौसम बहुत पसंद है। यहाँ पे मुझे रहते हुए 1 साल हो गया है और यहाँ का मौसम मुझे मतलब बेस्ट लगता है। यहाँ पे साल के 6-8 महीने बारिश होती है और बाकी टाइम बारिश नहीं होती, बस यही दो मौसम है यहाँ पे। और ऐसे तो सारा यहाँ पे ऑफ रोडिंग है, डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत कम है, छोटे छोटे। तो ये जो साइड पे हम लोग जा रहे हैं ये मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ का जो जाने का रास्ता है ना वो बहुत खूबसूरत है। ऐसे गाँव के बीचों में से होके जाता है एकदम। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्राइब्स की आबादी है और रास्ते की कंडीशन तो ख़राब ही है। बहुत लोग पूछते हैं यहाँ पे हम लोग बॉक्सर क्यों यूज़ करते हैं। तो पूरे अफ्रीका में, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मतलब TVS बॉक्सर। थोड़े दिन पहले मैंने टायर डाला है, तो कल रात में यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई है, तो पूरा रोड पे जो है ना कीचड़ हो गया है। लेकिन अच्छी यहाँ पे एक बैरियर भी है। तो इस बैरियर के बाद में यहाँ पे ट्रक खड़े रहते हैं, यहाँ पे एक करना चाहिए, एक बैरियर है थोड़ा सा। तो यहाँ पे बतखें जो है रास्ते में जो गड्ढे में पानी भर रखते हैं ना, तो उसमें नहा रही है, बड़ी क्यूट लग रही है। तो हम लोग अपनी साइड पे आ चुके हैं। तो ये साइड है हम लोगों ने जो जंगलों के बीच में बनाई है। सीन चेक करो, आजू बाजू सब एकदम छोटे छोटे ट्राइब्स के घर हैं। तो ये एक हॉस्पिटल है और यहीं का काम जो है बस ख़त्म होने आया है। वाह, तो ये है, तो ये हम लोग की साइट है, जो थोड़ा दरवाजे वगैरह फिनिशिंग का काम चल रहा है। नेक्स्ट वीक में वॉल्स भी पेंट करनी है और जल्दी से जल्दी इसका भी हैंड ओवर होने वाला है। हाँ, तो मैं तो घर आ गया हूँ। बाइक बहुत, देखो बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, मतलब कीचड़ की वजह से धुलवानी पड़ेंगी। बारिश का टाइम चल रहा है, असल में अभी पूरे 6-8 महीने बारिश ही चलेंगी, तो ऐसे ही रहने वाला है। और मौसम यहाँ का बहुत ज़्यादा कूल रहता है हमेशा। घर आने के बाद एक काम मैंने ये किया कि यहाँ पे हमारी जो है कोयला ख़त्म हो गया था, तो एक कोयले की बैग हमने ख़रीद ली। यहाँ पे हम लोग खाना बनाने के लिए कोयला यूज़ करते हैं। दूसरा ऑप्शन लाइट पे चलने वाला वो इंडक्शन भी है, बट ये इस पर बहुत सही बनता है खाना, एकदम तेज़ आंच, परफेक्ट, मज़ा आता है। तो सही है, आज ऐसे ही हल्का फुल्का ब्लॉग करने का सोचा था। तो आज की कहानी ये थी, और हमेशा की तरह ये कहानी ना पहली थी और ना आखिरी, तो ध्यान रखना मौसम, लेकिन बस बारिश ना हो जाए। ऐसे तो अपने पास रेनकोट है, लेकिन यहाँ की बारिश बहुत तेज़ होती है।